हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे। दोस्तों, हमारा क्लास 10th मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, जो कि 2022-23 के लिए है। दोस्तों, पहली क्लास हमारी हो चुकी है और आज की जो क्लास होने वाली है, दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में दोस्तों हम चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक सवाल भी हमने वहां पर किया था। आज की इस वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको 10th क्लास मैथ की सारी वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ ही साथ अदर बेसिक कंसेप्ट भी मैथ के आपको सिखाए जाएंगे। टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको बकायदा मिलेगा। बस आपको चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वीडियो पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। उससे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको उसका थंबनेल दिख जाएगा। ठीक है, आज हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220, इसका हम एलसीएम निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब ध्यान देना है आपको कि जो बड़ी संख्या है उसे ए के बराबर में लिखना है। कितनी है, 38220। जो छोटी संख्या है उसे आपको बी के बराबर में लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। देखो, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको हो सकता है समझने में परेशानी हो, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने, देखो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां आर दोस्तों कैसा होता है, जीरो से बड़ा भी होता है और जीरो के बराबर भी होता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। और दोस्तों आर छोटा किससे होता है, बी से। ठीक है, अब हमारे पास ए का मान कितना है, 38220, 38220 हमने ए की जगह रखा, बी की जगह दोस्तों रख दिया हमने 196 गुणा क्यू की जगह, अभी हमने कुछ नहीं रखा, खाली छोड़ दिया, और आर की जगह कुछ नहीं रखा, खाली छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों अभी हमें क्यू और आर के मान पता नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रफ्फर करेंगे। हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या है 38220 और छोटी संख्या है 196, मतलब ये दोस्तों बी का मान है, ए का मान है। यहाँ जो भागफल आएगा उसको हम क्यू बोलेंगे, जो शेषफल आएगा उसको बोलेंगे दोस्तों हम आर। ठीक है, 196 का आप 382 में भाग दोगे, वन बार जाएगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा। देखो इसको घटा देंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 2 है, यहाँ उतार दिया। अब दोस्तों इसका जो भाग जाएगा 196 का 1862 में, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 का गुणा करेंगे, 9 छक्के 54 की 4, 9 9 81, 81 और 5 हो जाएंगे दोस्तों 86, 9 1 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। इसको हम घटा देंगे, 12 में से 4 यहाँ पर बचेगा दोस्तों 8, यहाँ 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 जीरो और यहाँ जीरो, मतलब कुछ नहीं, और यहाँ भी, यहाँ 8 में से 8 कुछ नहीं, और यहाँ 1 में से 1 भी कुछ नहीं। नेक्स्ट डिजिट है दोस्तों जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो उतार लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 196 का 980 में भाग देना है। इसका जाएगा दोस्तों 5 बार, 5 बार कंप्लीट भाग चला जाएगा। 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9। देखो 980 में से 980 गया, कितना बचा, कुछ नहीं, मतलब यहाँ के आगे जीरो। ठीक है, ये दोस्तों जो आता है इसी को हम बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं आर, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल। यहाँ जो आता है इसको क्यू बोलते हैं, मतलब इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये आप जानते ही हो, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों भाजक। ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो शेषफल दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, अब देखना, यहाँ इस प्लस को भी मिटा रहा हूँ, 196 का कितनी बार भाग गया, 195 बार, तो गुणा में लिख दिया 195, प्लस आर का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पहली ही स्टेप में आर का मान जीरो आ गया, ये स्टेप नंबर आप इसको फर्स्ट डाल लेना। ठीक है, पहली स्टेप में आर का मान जीरो आ गया, आप लिखोगे चूंकि आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब आर का मान कैसा आ गया, जीरो आ गया, इसलिए किस किस का एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था हमें, एचसीएफ किसका, 38220 और 196,
कितना हो जाएगा, किससे भाग देने पर जीरो आया है, 196 से भाग देने पर शेषफल जीरो आ गया, इसलिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 196, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन, दोस्तों हम तीसरा वाला क्वेश्चन और इसका कंप्लीट करते हैं। कितना दिया है, 867 255, बड़ी वाली संख्या दोस्तों ऐसे दर्शाते हैं हम, तो लिखेंगे ए बराबर 867 और बी बराबर लिखेंगे दोस्तों 255। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब देखो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, कॉमा लगाना, आर का मान छोटा होगा बी से, आर का मान बड़ा होगा जीरो से, या फिर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, देखो a का मान कितना दिया है दोस्तों, 867। ठीक है, बराबर b का मान है दोस्तों 255। ठीक है, और देखो q की जगह अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस r की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम करेंगे थोड़ा सा रफ वर्क, रफ वर्क में दोस्तों बड़ी वाली संख्या में हम छोटी वाली संख्या का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना है, 255, कितनी बार जाएगा, देखो इसका भाग इसमें दोस्तों जाएगा तीन बार जाएगा, 3 5 15 3 5 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7, 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचा, 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं आया। ठीक है, इतनी प्रोसेस पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्यू का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, प्लस आर का मान कितना आ गया, 102। दोस्तों पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पहली ही बार में क्या आ गया था, जीरो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा होता है कि पहली बार में जीरो नहीं आता तो जो शेषफल आता है इसका भाग देते हैं हम भाजक में। ठीक है, भाजक कितना है, 255, इसमें भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, 204 हो जाएगा, घटा देंगे 51 बचेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ क्या हुआ, जीरो नहीं आया। अब हम इसको लिखेंगे, देखो किसमें भाग दिया, 255 में, तो आगे एक ही जगह कितना आ जाएगा, 255, किससे भाग दिया, 102 से, तो यहाँ कितना जाएगा, 102 से, 102 आ जाएगा। कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पर 2 प्लस आर की जगह कितना गया, 51। क्लियर, यहां तक क्लियर? अब देखना, क्योंकि यहां भी क्या है, आर जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ जीरो के बराबर नहीं आया आर, तो हमने लिख दिया चूंकि आर नहीं है जीरो के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 51 का भाग किस में देंगे, 102 में, तो 102 में किसका भाग देंगे, 51 का, 2 बार जाएगा दोस्तों, 102 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो यहां तक कर लिया था हमने, 102 में हम भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, 51 का, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, शेषफल आ रहा है जीरो, इसलिए हम लिख देंगे आर बराबर जीरो, क्योंकि आर बराबर कैसा आ गया, जीरो आ गया। किस से भाग देने पर आया, 51 से भाग देने पर जीरो आया, तो हमारा एस सी एफ कौन सा हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, किस किस का एस सी एफ हो जाएगा, इसलिए एच सी एफ किस किस का था, 867 255 का एस सी एफ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, तीनों के तीनों सवाल मैंने करा दिए हैं। दोस्तों जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ लाऊंगा दोस्तों आपके लिए, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप बनाकर स्टडी करें, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप उसमें रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले पृष्ठ के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय।